जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। वो कहते हैं ना कि वजूदे जन से है तस्वीरें कायनात में रंग। ये वो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं जिनकी वजह से हमारे अपने घरों में रौनक भी है और हमारे अपने घरों में बीमारियों से पाक माहौल भी है। पीछे आप देख सकते हैं सूबे का सबसे बड़ा ऐवान यानी पंजाब असेंबली है और उसके सामने दूसरे दफा यानी कि पिछले साल इन्होंने यहीं पे धरना दिया और दूसरी मरतबा आज फिर ये यहाँ पर मौजूद हैं मार्च ही के महीने में। और आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा तादाद में वुमेन पावर आपको नजर आ रही है। और रुखसाना अनवर हमारे साथ हैं। रुखसाना अनवर जो हैं वो लेडी हेल्थ सुपरवाइजर भी हैं और आज के इस एहतजाज को लीड भी कर रही हैं और इनकी एक कॉल पर इतने ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा लेडी हेल्थ वर्कर पूरे पंजाब से आप लोग आए हैं। जी, पूरे पंजाब से, अटक से लेकर पिंडी और पिंडी से लेकर रहिंग्यार खान तक लोग आए। सना अनवर साहिबा, आपको मालूम है आपके ऊपर ब्लैक मेलिंग के चार्जेस हैं कि आप ब्लैक मेल कर रही हैं हुकूमत को, पिछले साल भी किया और इस साल भी कर रही हैं। मैं क्यों ब्लैकमेल करूंगी? मुझे इनसे कौन सी कुर्सी चाहिए, कौन सी सदारत वजारत चाहिए? अगर मैं सिविल सर्वेंट हूं तो मेरा स्केल अपग्रेड क्यों नहीं किया जाता? 50,000 खवातीन हैं जो 25 साल से घर घर जाकर सेहत की सहूलियात दे रही हैं। क्या उनका ये राइट नहीं है कि उनको अपग्रेड किया जाए? क्या उन्होंने सारी जिंदगी 5वें और 10वें स्केल में रहना है? मास्टर हैं, डबल एमए हैं लोग, ग्रेजुएट हैं लोग, उनकी इतनी ज़्यादा तालीम है, उनकी स्किल है, उन्होंने पोलियो ख़त्म किया, डेंगू ख़त्म किया, डिलीवरीज के टारगेट पूरे किए, वैक्सीनेशन करवा रही हैं। हम भी अभी भी ब्लैक मेलन है, बजाय इसके कि अप्रिशिएट किया जाता, बजाय इसके कि कोई अवार्ड दिया जाता कि ये वो खवातीन है जिन्होंने पोलियो का खात्मा करते हुए जानों के नजराने दे दिए, आज हमें ये खिताब मिलेगा कि हम ब्लैक मेलर हैं। क्यों? इसलिए कि अपना हक नहीं छोड़ते। हक क्यों छोड़े? क्या ये पार्लियामेंटेरियंस का हक था कि 225% तनख्वाह में इजाफा इन्होंने रातों रात कर लिया? इसका मतलब है ये भी ब्लैक मेलर है। इसका मतलब है जो बंदा अपना हक मांगेगा वो ब्लैक मेलर है। हमें तो बहुत उम्मीद थी कि खातून वजीर सेहत हैं और वो खवातीन की तकलीफ़ों को समझेंगी। हमें रियासत मदीना के ख्वाब दिखाए गए थे, हमें इंसाफ के ख्वाब दिखाए गए थे, हम इनके वोटर थे और सपोर्टर थे। अच्छा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की आप बात कर रही हैं, उनसे आपकी मुलाकात हुई, बात हुई उनसे? जी, जैसे ही वो बल्कि मिनिस्टर बनी थी फौरन हम मुबारकबाद की देने गए थे और अपने मसाइल भी उनको बताए थे। उन्होंने कमाल बेनियाजी से अपने वो हमारी एप्लीकेशन जो है वो अपने पीए को पकड़ा दी थी, आज तक पढ़ी नहीं गई वो। और उसके बाद जब भी वक्तन फवक्तन एप्लीकेशन नहीं, वो रद्दी की टोकरी की नज़र हो गई। अभी जब हमने एहतजाज की 2.5 माह पहले कॉल दी है, 2.5 माह तक गवर्नमेंट के कानों पे कोई जू न रहेंगे। 2 दिन पहले 13 और 14 तारीख को उन्होंने हमारे साथ मुज़ाकरा बात कर लेती डॉक्टर यास्मीन साहिबा से कि हम एहतजाज कर ले। हम मिले इसी ऊँचे ईवान में, हम उनका जो रूम है वहाँ हम गए, हमें बुलाया गया। लेकिन मैं बहुत हैरान भी हूँ और परेशान भी हूँ कि वो खातून जिनको हमारे ऊपर मैं कहने पे मजबूर हूँ कि मुसल्लत कर दिया कि वो अपने वोटों के जरिए कामयाब होकर नहीं आई थी, लेकिन अगर फिर भी उनको वजीर सेहत बना दिया गया, उनको हमारे मसाइल सुनने चाहिए थे। वो आई और उन्होंने बड़े नखूबत से और तकब्बुर से उन्होंने कहा कि आप वो हैं जो धरना देना चाहती हैं, जो धरना देता है मैं उसकी बात नहीं सुनते, तो अब आपके मसले कैसे हम हल करेंगे अगर आप मुझे धमकियाँ देंगी? तो मैंने कहा कि हम धमकी आपको नहीं देते, आप हमारे मसले हल कर दें। क्या ये नाइंसाफी नहीं है कि जिन खवातीन ने 25-25 साल महकमे को सर्व किया, आज खाली हाथ वो चली गई, कोई पेंशन नहीं, धरने के हक में नहीं है वो? वो धरने के हक में नहीं है, लेकिन मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैडम साहिबा माजरत के साथ आप तो खुद धरना देकर इक्तदार में आई है। मैंने कहा ये जरा खातून है, बूढ़ी खातून है, ये जरा आगे आए। माँ जी, आपकी क्या उम्र है? मेरी 58 साल। 58 साल आपकी उम्र है, कितने साल आपने एज लेडी हेल्थ वर्कर होते हुए गुजार दिए? 1998 से मैंने महबूबाबादी में काम किया, उसका भी मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला। उसके बाद मैं नेशनल प्रोग्राम में आई हूँ, उसका भी मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला। अब बेवा औरत हूँ, बच्चे बेरोजगार हैं, कोई वसीला नहीं है, बच्चे बेरोजगार फिर रहे हैं। माँ जी, कितनी सर्विस हो गई टोटल आपकी? मेरी जी 25 साल हो गई तकरीबन। 25 साल से बाल सफेद कर दिए धूपों में कर दिया, अभी 25... तक पोलियो के कतरे में पिला रही हूँ। अच्छा। अभी तक पिला रही हूँ। कौन कौन से वाकयात हुए इन 25 सालों में आपके साथ? वाकयात कौन सा नहीं हुआ, कौन सा बुरा हमारे साथ सलूक नहीं हुआ, हमारे साथ क्या नहीं हुआ? हमें धक्के मिले, हमें कुत्तों ने काटा, ये देखें। ये जरा कैमरा मैन से गुजारिश है, दिखाइए ये आपको कुत्ते ने? हाँ जी, जब आप पोलियो पिलाने कतरे पिलाने मुझे काटा था, तो मैं गिर भी गई थी, वहाँ बारिश हो रही थी, हमने बारिश में भी कतरे पिलाए हैं। हाँ जी, अब क्या मिल रहा है हमें? 2 साल बाद मैंने रिटायर हो जाना, मेरे पल्ले क्या पड़ रहा है? मेरे बच्चे के बाद कुछ नहीं मिलेगा, कुछ क्या मिलेगा? कुछ जब नजर ही कुछ नहीं आ रहा तो फिर क्या मिलना है? हाँ, 5,000 लोग जो रिटायर हो चुके हैं या जिनकी डेथ हो चुकी है 2012 से लेकर अब तक, मेरे पास पेंशन नहीं मिली।
उनको अभी तक कोई पेंशन नहीं मिली, जो कब्रों में जा सोए या जो रिटायर कर दिए गए हैं उनको कोई पेंशन नहीं है। क्या उन्होंने सर्व नहीं किया था? अगर हम कहते हैं कि उनको फाइनेंशियल बेनिफिट मिले, खवातीन रो रही हैं, रो क्यों रही हैं खवातीन, क्यों तो किल कर लिए, रो रहे हैं कि हमारे पास क्या है, खाली हाथ है हम। ये देखिए मेरा बच्चा जमीन पे सोया हुआ है, हम सुबह ड्यूटी करके पोलियो किया है, बारिश में पोलियो किया, मेरे अंकल की डेथ हो गई, हम उसके जनाजे पे नहीं जा सके कि पोलियो ड्यूटी है, जो छोड़ के चला जाएगा उसको निकाल देंगे। पोलियो करके आए और बच्चों का भी खाना नहीं दिया, तो हमारी डिलीवरी के लिए जी कहा गई 10-14 यूज़ करो, जल्दी करो डिलीवरी ले जा लो। हम डिलीवरी लेके चले गए, देखे मेरे पास तस्वीर है, मेरी बेटी ने बना ली थी कि बेटा मेरा भूखा 1.5 साल का सो गया। तो हमारा यही हक है कि हम हमारे बच्चे भूखे रह जाए और हमें यही सैलरी मिल रही है। और मैडम यासमीन को हम ये कहते हैं कि एक दिन का रिकॉर्ड ये करवा दे, अपने के रिकॉर्ड करवा दे, एक दिन पाकिस्तान में कितनी हुई डिलीवरियां और कितने मर गए, कितने पाकिस्तान में इंटर हुए, कितने पाकिस्तान से बाहर चले गए, तो हम ये सैलरी छोड़ के चले जाएंगे। हाँ जी, ये सैलरी हमारे यही मुआवजा है कि दिन रात हम मेहनत करें, हमारे मियाँ हमारे साथ जाते हैं, सब लड़की हेल्थ वर्कर, आप बताएं कि 12 बजे रात को हमारे कॉल आ जाए, हमारे मियाँ नहीं जाएंगे हमारे साथ, जब बेटा किसी का है वो हमारे साथ जाएगा, चाहे रात गुजर जाए चाहे दिन गुजर जाए, तो हमारे वो साथ रहे, हम अकेली जा सकते हैं काम करने, वो भी हमारे बगैर कोई काम नहीं कर सकते। एक यही सैलरी, इस पे बच्चे भी संभालें, घर भी संभालें, और किसी के आने जाने, किसी की शादी फंक्शन, अपने किराया लगा के भी डिलीवरी करवाने जाते हैं, अपना किराया लगा के जाते हैं, कुछ नहीं मिलता। ये जो मेडिसिन भी नहीं है पूरा साल होती, हम अपने से अभी मैंने जो मेडिकल नहीं है किसी का, आप खुद बीमार हो जाए नहीं कुछ कुछ भी नहीं मिलता, कोई मेडिकल नहीं मिलता। हाँ जी, कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा अच्छा, हमारे नुमाइंदे बिलाल चौधरी हमारे साथ हैं। बिलाल, क्या इनके मुतालिबात जायज हैं या नाजायज हैं? इनको ये भी कहा जा रहा है कि ये ब्लैकमेलर हैं, और दूसरी बात ये कि ये भी कहा जा रहा है कि जब इनको मालूम होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस मुलाजमीन है तो अपने आप को परमानेंट करवाने के लिए एहतजाज के बलबूते पर बाहर क्यों आती हैं? देखिए इसमें बड़ी सिंपल सी बात है, बात ये है कि जो ऐसे मुलाजमीन जो कि अरसे दराज से काम कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट का भी उसूल है कि जो ऐसे मुलाजमी जो कि 5 साल से ज़ायद अरसे से जो काम कर रहे हैं उनका बुनियादी हक बनता है कि उनको रेगुलर किया जाए। यही जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, ये 1 साल पहले भी यही मॉल रोड पे जिसने 5 साल अपनी सर्विस दे दी तो उसको परमानेंट करना उनका राइट है, बिल्कुल राइट बनता है। और दूसरा इसमें ये कि ये वो लोग हैं 25 साल, वो देखे माँ जी है तो 25 साल से, तो फिर इनको पेंशन भी नहीं मिलेगी अब। जी बिल्कुल, जिस तरह वो बता रही थी कि महकमा फलाह बहबूद में वो थी, पॉपुलेशन में थी, उसके बाद फिर ये हेल्थ डिपार्टमेंट में वो आ गई। लेकिन अब मकसद जो है वो ये है कि ये क्योंकि ना सिर्फ लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं बल्कि दूसरे महकमा सेहत के जो प्रोग्राम्स हैं उनके साथ भी जो मैं काम करते हैं, जिसमें डेंगू हो गया, पोलियो हो गया, हिफाजत टीका जात हो गए, उस समय कोई भी जो वबाई मर्ज आते हैं उसके साथ ये काम करते हैं। अब इशू क्या है, अब इशू ये है, 2 दिन पहले जो है वज़ीर सेहत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमें एतमाद में लिया, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि ऐसी जो इनका पहले डाइंग कैडर था अब उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। 2009 के बाद पहली दफ़ा 13,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको दोबारा से नई नौकरियां दी जा रही हैं, और ऐसी ख़वातीन जो कि जिनके जो फौत हो चुकी हैं या जिनके पेंशन का इशू है उनके भी 48 करोड़ रुपया उन्होंने जो है वो जारी किया है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि इनका जो सर्विस स्ट्रक्चर का इशू है, स्केल अपग्रेडेशन का इशू है, उसको भी हल करने जो प्रोसेस है उसको शुरू कर दिया गया है। अब प्रोसेस में क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है, उसमें जो है महकमा सेहत के बाद ये मिनिस्ट्री फिनांस सेक्रेटरी के पास जाएगा, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के पास जाएगा, फिर उसके बाद वज़ीर आला से अप्रूवल होने के बाद फिर उनकी जो है वो मुकायदा की नोटिफिकेशन। जिस तरह से गुज़श्ता साल इनके 2 मुतालिबात माने गए थे और फिर ये अपने मुतालिबात के मनवाने के लिए सड़कों पर हैं, इसका मतलब अगर मुतालिबात माने जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये राइट पर हैं। देखें क्योंकि इतनी बड़ी स्ट्रेंथ यहाँ पे आई है तो कोई ना कोई तो रीज़न होगी। अब ये लोग जिसमें मोहम्मद ख़वातीन भी हैं, ये सारे वो हैं जिन्होंने महकमा सेहत को बल्कि पाकिस्तान के लिए सर्व किया है, तो जो इनका बुनियादी हक है वो तो अल्टीमेटली देना चाहिए। अब क्योंकि मिनिस्टर साहिबा इस पे कह रही हैं, अभी 3 बजे मेरे साथ लाइव एक प्रोग्राम में भी थी, उसमें भी उन्होंने कहा कि जनाब मैंने इनका जो बुनियादी हक है, जो सर्विस स्ट्रक्चर है, उसको अप्रूव कर लिया है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मिलेगा जरूर। अब टाइम लगेगा मिलेगा जरूर, तो आप छोड़ दें सड़कों को। देखिए टाइम कितना, 25 साल हो गए, कितना टाइम चाहिए? 25 साल के बाद भी टाइम नहीं है, इनका रातों रात बिल पास हो जाते हैं। 5,000 खवातीन हैं जो रिटायर हो गई हैं या जो जिनकी डेथ हो गई, उनको पेंशन नहीं मिली, बाकी 45,000 भी इसी तरीके से चली जाएंगी। यानी हम कितना वेट करें, हमारी पिछली सर्विस काउंट नहीं की गई, अगर पिछली सर्विस काउंट की जाए। टाइम वो कहती हैं कि जब अपने बिल एक रात में पास हो जाते हैं तो हमारे लिए क्यों इंतजार करवाया जाता है?
देखें वो जो इशू है जो उनके अपने होते हैं वो अपने कमीने अपने अपने लिए तो वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब इशू ये है कि जब 45,000 जो लेडी हेल्थ वर्कर्स है, 2,000 लेडी हेल्थ जो सुपरवाइजर लिए कुछ नहीं कर सकते, तो इतना बड़ा जो 50,000 के करीब अगर किसी का सर्विस स्ट्रक्चर देना है तो वो जो अमाउंट है वो करोड़ों अरबों में बनती है। तो ये कोई इतना आसान मामला नहीं है, ये थोड़ा इसका लेंथी काम है। जब तक अप्रूवल नहीं होगी तब तक इनकी अरबों में नहीं जाते, इनके कितना बजट बनेगा, इनका अरबों खरबों में चला गया वो ठीक है, वहाँ मुल्क इजाजत दे रहा है। और अगर हम 50,000 की तादाद तो आपको नजर आती है कि बजट पे असरअंदाज होगी, लेकिन ये वही 50,000 है जो मुल्क को सेहत की सहूलियात दे रहे हैं, कितनी बड़ी सर्विस दे रहे हैं। मैडम नुकसाना ये कैमरा है, और आपने अगर वजीर आजम पाकिस्तान को एक मैसेज देना है तो वो क्या होगा? मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ये मैसेज देना चाहूँगी कि 50,000 ख़वातीन को जिस मोहम्मद बिन कासिम का इंतज़ार है, आप वो मोहम्मद बिन कासिम बने। आपको टीपू सुल्तान आपके आइडियल हैं, यकीनन मोहम्मद बिन कासिम भी होंगे। हम सब बतौर मोहम्मद बिन कासिम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हमें इन साजिशी अनासिर के हवाले ना करें जो आपके विजन की नफी करते हैं। आपने रियासत मदीना का ख्वाब दिखाया था। 2018 और 2019 में फर्क इतना है कि हुकूमतें तब्दील हो गई हैं। आपके लिए क्या तब्दीली, पिछले साल और इस साल में क्या तब्दीली आई है? तब्दीली बहुत बड़ी है, पहले बेहिसी कम थी अब बेहिसी ज्यादा है। अच्छा, अब पहले बात कह दी आपने, मैं रुख साना, पहले बेहिसी कम थी अब बेहिसी ज्यादा है। पहले मसले हल करने की तरफ दिलचस्पी कम थी, अब जीरो पर है, माइनस में है। अब हमारे जो है ना मसाइल को कंसिडर ही नहीं किया जाता, मुतकब्बिराना रवैया है, नखुवत पर मबनी रवैया है, गरूर पर मबनी रवैया है, हमें इंसान नहीं समझा जा रहा, हमें तीसरे दर्जे की मखलूक समझा जा रहा है। बड़ी बात कह दी है, बड़ी बात कह दी है नाज़रीन। रुखसाना साहिबा ने, मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगी, और अब आपके जो आप लोगों ने पॉइंट्स रखे हैं हम डॉक्टर साहिबा के सामने रखेंगे। नाज़रीन दो दो एहतजाज जो है माल रोड पर अभी चल रहे हैं। ACCG अहमद रजा साहब यहाँ पे मौजूद हैं और खुद इन एहतजाजों की जो निगरानी है वो कर रहे हैं और इनसे मुज़ाकरात के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, कुछ मामलात सामने आए हैं या फिर कुछ मामलात ऐसे कि ये यहाँ से उठने को तैयार हो जाए? जी, हमारी पहले सेक्रेटरी हेल्थ से इस हवाले से लेडी हेल्थ वर्कर से मुलाकात हुई है और उन्होंने बताया इनका पहला इनका मुतालबा था कि इनको रेगुलराइज किया जाए। वो रेगुलराइज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कर दिया, फिर जो रेगुलर हैं उनकी पेंशन भी के भी मामला था वो भी कर दिया। अच्छा। फिर कोई और डॉक्टर साहब रिटायर्ड थे, उनको ये कहते थे रिमूवल करें इनको, वो रिटायर्ड ये जो निकात थे ये माने पुरानी हुकूमत ने थे या फिर अब मौजूदा हुकूमत से इनके मुज़ाकरात के नए मामला? ये सेक्रेटरी हेल्थ ने कन्वे किया, हेल्थ डिपार्टमेंट ने माने। अब इस वक्त ये अब चाह रहे हैं कि जो कि मैं समझता हूँ अनजस्ट है कि 5th स्केल से ये बढ़कर 11th स्केल पर इन्हें अपग्रेड किया। ठीक है, क्योंकि इनका अपग्रेडेशन का मसला है और सेक्रेटरी हेल्थ और वजीरे सेहत से डायरेक्ट इनके मामलात जो हैं वो चल रहे हैं, लेकिन इनकी यहाँ पे मौजूदगी से हम देख रहे हैं वहाँ इंजीनियर्स हैं, यहाँ पे लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, पूरा लाहौर जो है इस वक्त डिस्टर्ब है, उसके हवाले से इनको यहाँ से उठाने के हवाले से या सड़कें ब्लॉक होने के हवाले से क्या स्ट्रेटेजी है? नहीं, इंतजामिया ने तो कन्वे किया है, पुलिस का ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, इनको रिमूव करना है। मेरी इनसे कोई 3 मीटिंग्स हो गई हैं, अभी DG हेल्थ से भी बात हुई है कि वो भी इनको इनके नोटिफिकेशंस दिखा देंगे। इन्होंने घंटा पहले कमिटमेंट की थी अगर नोटिफिकेशंस दिखा देते हैं तो हम चले जाते हैं, तो वो नोटिफिकेशंस भी दिखाए, तो अभी एक उस पर मजीद ये कह रहे हैं कि हमारा स्केल भी, अब स्केल जो है वो एक कैबिनेट से डिसीजन लेके फाइनेंस डिपार्टमेंट बजट इंक्रीज करना होता है, दैट्स अ लेंथी प्रोसेस, ये इनको बार बार समझाया जा रहा है। एजी साहब, क्या माल रोड पर धरना देना और फिर अपने मुतालिबात मनवा लेना, मुझे लगता है ऐसा ज्यादा आसान हो चुका है कि मॉल रोड एक ऐसी आर्टरी है जिसको ब्लॉक करने से पूरा लाहौर डिस्टर्ब हो जाएगा और शायद ऐसा इम्पैक्ट जा रहा है कि आपके मुतालिबात ज्यादा ऊंचाई तक सुनाई दिए जाएंगे, ईवान बाला तक सुनाई दिए जाएंगे, तो हर कोई अब मॉल रोड का ही रुख करता है, इसके लिए लाहौर की इंतजामिया ने कुछ सोचा? देखिए, मॉल रोड पर तो ऑलरेडी हाई कोर्ट की भी इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस हैं कि यहाँ पर प्रोटेस्ट ना हो। यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पुलिस की एक जिम्मेदारी है इंश्योर करना, लेकिन जिस तरह लोग मॉल रोड पर आते हैं कुछ चीज़ों में फाइनेंस और बजट इन्वॉल्व होता है।
आपने कहा कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो फिर क्यों यहाँ पर धरना दिए बैठे हैं ये लोग? ये तो फिर हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बिल्कुल, इनका इनका जो है ना, जो मामला, जो भी लोग इधर आते हैं वो एक मीडिया हाइप तो क्रिएट करते हैं, लेकिन कोई भी फाइनेंस और जिस मामले में बजट इन्वॉल्व हो उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट का इनपुट होता है, कैबिनेट की मंजूरी हो, तो एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो मैं पूछना आपसे चाह रही हूँ कि जब ये अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो इनके लिए अब अगला लाहे अमल क्या है इंतजामिया की जानिब से? नहीं, आप अगर देखें तो पुलिस की गार्ड भी और मंगवा ली गई है। अभी इंशाल्लाह ताला पुलिस की तरफ से अगर कोई डिसीजन होता है और इंतजामिया की तरफ से, तो फिर एक्शन भी होगा। एक्शन बाय फोर्स होगा, ये आप हमें बात बता दी जाएगा, जैसा इंस्ट्रक्शन आएंगे वैसे बता दिया जाएगा आपको। तो क्योंकि मामला थोड़ा सा नाजुक है, खवातीन है, कैसे हिकमत अमली अपनी अपनाएंगे? जी हेल्थ आके फिर इनकी तसल्ली कराने आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला, इनको मजीद नोटिफिकेशन से कोई चाहिए दिखा देंगे, पहले भी इनको बताया, इन्होंने हमें कमिटमेंट की है। मुस्तकबिल में यहाँ पे धरना देने वालों के लिए क्या मैसेज है, जैसे कि अहकाम हैं लाहौर हाईकोर्ट के? जी, धरना देने वालों के ये मैसेज है, इनके जहाँ भी धरना होता था हम इनको इधर ग्रीन बेल्ट में बैठा देते थे, और यहाँ पर अगर आप अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो करें, मगर हमारी जो सड़क है, राइट ऑफ वे है, उसको आप हिंडर ना करें। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, अदालती अहकाम के मुताबिक यहाँ पर धरना नहीं दिया जा सकता, और अगर आप यहाँ पर धरना देते हैं तो ये अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी होगी। ACCT फरमा चुके हैं कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, यहाँ पे फोर्स भी तमाम आ चुकी है, और दिन भर लाहौरिये इस एहतजाज की वजह से डिस्टर्ब भी रहे हैं, ऑफिस आने जाने वाले भी लेट हुए हैं, स्कूल से वापस आने वाले तलबा तालिबात, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज का रुख करने वाले तालिबात तालिबात को भी काफी दुश्वारी का सामना रहा है। छोटी सी ब्रेक के बाद मजीद भी हकायक है जो आपके सामने लेकर आने हैं। ब्रेक लूंगी और उसके बाद दोबारा से हाजिर होंगी, हमारे साथ रहिए।